वेलकम टू केमिस्ट्री अकेडमी स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में पढ़ेंगे मेजर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंक्शन ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी फंक्शन ग्रुप यूज होते हैं वो आज की वीडियो में पढ़ेंगे। गौर से देखना, अगर आप लोगों को फंक्शन ग्रुप की समझ आ गई तो आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को आसानी से पहचान सकते हो और आसानी से उनके रिएक्शन लिख सकते हो। आपने जेहन में रखना है कि जो अल्केन हमारे पास फंक्शन ग्रुप होता है उसमें हमेशा कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। अगर कार्बन की चेन दो और सभी के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो इसका मतलब वो अल्केन क्लास का मेंबर है। इसी तरह अगर आपको बीच में किसी जगह पर भी डबल बॉन्ड नजर आता है तो इसका मतलब वो अल्कीन क्लास का मेंबर है। और अगर दो डबल बॉन्ड नजर आते हैं, दो किस तरह हो कि पहले डबल हो फिर सिंगल हो फिर डबल हो, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड अल्कीन। बात की समझ आ गई। उसके बाद अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो अल्काइन क्लास का मेंबर होगा। इसके अलावा आप कार्बन वाले मेंबर कैसे याद करें, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि ये जो इतना पोर्शन है ना, ये तो आना ही आना, ठीक है, सिर्फ ये वाला पोर्शन हम लोग चेंज करेंगे। लेकिन अगर दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं कीटोन। लेकिन अगर एक साइड वाला आर खत्म करके उसकी जगह पे एच लगा दिया जाए, बाकी वाला पोर्शन वैसे ही रहे, तो उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। उसके अलावा अगर आप लोगों ने फिर यहाँ पे देखें, अब आप लोगों ने क्या करना है कि वो वाला पोर्शन तो सेम ही रहना है ये वाला पोर्शन, लेकिन यहाँ पे जो आर था उसकी जगह पे अगर ओ एच लगा दिया जाए तो वो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बात की समझ आ गई सारे बच्चों को। अब अगर इसी ओ एच की जगह पे हम लोग फिर लगा दें ओ आर लगा दें, बाकी पोर्शन वैसे ही रहे, तो फिर ये बन जाता है एस्टर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब ये वाला पोर्शन वैसे सेम टू सेम है, लेकिन अब उस आर की जगह पे एन एच टू लगा देना तो अमाइड बन जाता है जी। अब इसी एन एच टू को हटा के आप लोग डबल ओ एच लगा दें, ठीक है, तो ये पर ऑक्सी एसिड बन जाता है। ये वाला पोर्शन बाकी सेम टू सेम वैसे रहेगा, आर सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला पोर्शन तो इतना वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे ये वाला पोर्शन लगा दें दोबारा से, तो इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, आर के साथ आप लोग क्या करें एन एच टू अगर अटैच कर देते तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। इसी तरह अगर उसी आर के साथ आप लोग दो आर ले लें और एक एन एच ले लें तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। अब ये वाला जो एच है इसकी जगह पे भी अगर आप अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये बन जाता है टर्शरी अमाइन। बात समझ आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आर है और यहाँ पर भी आर है, तीन अल्काइल ग्रुप अटैच हो गए तो ये बन गया हमारे पास टर्शरी अमाइन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर आर के साथ आप लोग एन एच यानी कि चार आप लोग लगा देते हैं अल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बन जाता है, ठीक हो गया। नाइट्रोजन मैक्सिमम चार बॉन्ड बना सकता है, इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर कार्बन की चेन है उसके साथ आपको एक्स नजर आ रहा है, एक्स से मुराद है जी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या फिर ये आयोडीन है, कुछ भी है, तो ये इसका मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। अगर हेलोजन वाली कार्बन, ये वाली जो कार्बन है, ये दो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह एक्स वाली कार्बन अगर तीन अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाए तो उसको बोलते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। देखिए एक्स किसके साथ डायरेक्ट अटैच है, इस कार्बन के साथ, ये कार्बन आगे एक, यहाँ पे भी आर है दो, और ये भी सारा अल्काइल ग्रुप है तीन, तीन अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है तो इसको बोलते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर आप अल्काइल ग्रुप के साथ ओ एच अटैच कर दें तो ये अल्कोहल बन जाती है। बात की समझ आ गई। अब उसी आर के साथ ये वाला जो अल्काइल ग्रुप तो आने आना, इसके साथ ओ आर अटैच कर दें तो ये ईथर बन जाता है। फिर से उसी तरह अगर आर के साथ आप लोग एस एच अटैच कर दें तो ये थायोल बन जाता है। अल्काइल के साथ क्या अटैच कर दें, एस एच, ये थायोल बन जाता है। फिर इसी तरह आपने क्या करना है कि अल्काइल के साथ एस आर अटैच करना है, ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है इसके साथ एस आर अटैच करेंगे ना तो ये थायो ईथर बन जाते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है सारे बच्चों को फंक्शन ग्रुप की समझ आ गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल केमिस्ट्री अकेडमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।